सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आ चुके हैं वापस हम अपने माइनक्राफ्ट की मजेदार वीडियो के अंदर। सो गाइस माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर हम ड्रैगन वाला मोड कैसे ला सकते हैं, जैसे कि अभी मैं जो एडन्स खेल रहा हूँ वो वाला बेस्ट एडन है अपने माइनक्राफ्ट के अंदर, अगर आपको ड्रैगन्स का एडवेंचर टाइप्स कुछ करने हैं तो। सो ये वाले एडन को आप सर्वाइव वर्ल्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस ये वाले एडन के अंदर आपको मिल जाएंगे टोटल 16 टाइप के ड्रैगन एग। अगर आप सर्वाइवल के अंदर खेलोगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया रखा है कि कौन सा एग आपको कहाँ पे मिलेगा। एंड में कुछ लोकेशन की आपको फोटो दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको देख सकते हो कि यहाँ पे नेदरराइट के अंदर आपको कुछ इस तरह से एग मिल जाएंगे। एंड अगर आप नीचे जाओगे वॉर्डन सिटी में तो आपको इस तरह से आपको ड्रैगन भी देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंडर सिटी वाला भी आपको एग एंड ड्रैगन मिल जाएंगे साथ में। एंड अगर आप क्रिएटिव के अंदर हो तो आप एक कमांड डाल के सारे एग्स भी ले सकते हो। तो मैं आपको कमांड बता देता हूँ कि कौन सी कमांड है। तो ये वाली कमांड आप देख सकते हो अच्छे से। एंड ये वाली कमांड डाल के आप अपने जो भी क्रिएटिव वर्ल्ड रहेगा उसके अंदर सारे एग आपके पास आ जाएंगे पूरे 16 के 16। तो एंड यू सी दिस गाइस, यहाँ पे मेरे पास पूरे 16 के 16 एग आ गए और सारे टाइप्स के ड्रैगन्स के एग भी मेरे पास आ चुके हैं। एंड अगर आपको कमांड नहीं डालना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आप डायरेक्ट बिग बड़ा मतलब बड़ा ड्रैगन भी स्पॉन कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक चाहिए तो आप यहाँ से भी एक ले सकते हो अगर आपको बिना कमांड के एक चाहिए हो तो। सो गाइस अगर आप सर्वाइवल के अंदर हो तो ये सारे एक आपको अलग अलग तरीके से पावर्स भी इनहेंस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे 16 तरह के ड्रैगन है, तो आपको पूरे 16 तरह के अलग अलग पावर्स भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको कोई सा भी एक अगर सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा तो उनको आपको हैच करना पड़ेगा, मतलब उनको तोड़ने के लिए आपको एक जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हाथ मारना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 14 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारा एग है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से ड्रैगन बाहर आ जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे इसको थोड़ी सी 14 मिनट आपको वेट नहीं करना अगर आप सर्वाइवल के अंदर हो तो आप यूज़ कर सकते हो आई ऑफ एंडर का। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी ज़्यादा आई ऑफ एंडर तो यूज़ हो जाएगी, बट जो हमारी हैचिंग प्रोसेस है उसके हमें फिर 14 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी हैचिंग प्रोसेस में है। एंड अगर इसको मैं यहाँ पे फीड करते जाऊँगा तो ये जो हमारा एग है उसको जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा। एंड फिर थोड़ी सी देर के बाद आपको कुछ इस तरह से एग के अंदर चेंजेस दिखने लग जाएंगे, हमारा जो एग है वो थोड़ा सा हिलने ढुलने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस एक या दो मिनट वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे हमारा छोटू सा बेबी ड्रैगन निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रैगन एग के ऊपर यूज़ कराया, तो मैं यहाँ पे दो तीन ड्रैगनों के ऊपर आई ऑफ एंडर का यूज़ करके थोड़े से ड्रैगन निकाल लेता हूँ बाहर। तो गाइस यहाँ पे हमारे तीनों ड्रैगन्स निकल चुके हैं, फायर वाटर एंड हमारा स्केलेटन ड्रैगन। इन्हें नेचुरली एडल्ट होने के लिए 4 आवर का टाइम लग जाएगा, बट अगर आपको इसको जल्दी एडल्ट बनाना है तो आप ये तीन तरह की मछली खिला के इनको जल्दी से एडल्ट भी बना सकते हो और इनकी ब्रीडिंग भी करा सकते हो, जिससे कि छोटे छोटे ड्रैगन्स और हमारे निकल जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिश सेलमोन एंड क्लोन फिश आपको कितनी कितनी लगेगी इनको फुल्ली एडल्ट होने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से मैं एक ड्रैगन को यहाँ पे एडल्ट बना देता हूँ, जिससे कि आपको बता सकूँ कि और इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्केलेटन वाला ड्रैगन सबसे ज़्यादा बड़ा कर लिया, मतलब इसके इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और जो हमारा वाटर वाला और जो हमारा फायर वाला ड्रैगन था उनको हम भी स्टैंड मतलब सीट भी करा सकते हैं, जिससे कि ड्रैगन इधर उधर ना जाए। तो हमारा जो ड्रैगन है सबसे बड़ा वाला, जो उसके ऊपर हम राइड भी कर सकते हैं और उसके हार्ट आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसके हार्ट है। तो इसको हमारे राइड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको टेम करना पड़ेगा मछलियाँ कुछ भी खिला के, उसके बाद हम इसके सेडल लगा सकते हैं। एंड हम फिर जिधर की साइड भी देखेंगे उधर की साइड हमारा जो ड्रैगन है वो चल जाएगा। तो अभी तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये फिर यहाँ पे अगर बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको सीट नहीं करा सकते। सो हमें इसको उड़ाने के लिए जंप बटन को क्लिक करके रखना है और उसके बाद इसको छोड़ देना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके पंख कुछ इस तरह से उड़ेगा और उसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें इसको एरो से इसको आगे करते जाना है, और आपको अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको उधर की साइड फेस कर लेना, तो हमारा जो ड्रैगन है वो भी उस साइड मुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम अपने ड्रैगन को इधर उधर डायरेक्शन दे सकते हैं और उसको कैसे हमें उड़ा सकते हैं। एंड ब्लेज रोड की मदद से अगर आप इसको फायर चार्ज का अटैक भी दे सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैंने फुल ब्लेज रोड हाथ में ली। एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से फायर चार्ज गया। एंड इसका यूज़ भी आप कर सकते हो, बस इसका थोड़ा सा अगर ठीक से आप यूज़ करोगे तो आप सीख जाओगे। एंड ड्रैगन ब्रिज से आप इसको ड्रैगन ब्रिज का यूज़ भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो आप इन दोनों का यूज़ भी कर सकते हो, एक तो ड्रैगन ब्रिज एंड हमारा ब्लेज रोड। देन गाइस ये वाले एडन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो एक डायमंड शेयर भी बना सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो डायमंड के मदद से आप बना सकते हो डायमंड की शेयर। एंड इसका आप यूज़ कुछ अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ड्रैगन्स है तो वो ड्रैगन्स को अगर मैं डायमंड शेयर से कुछ यूज़ करूँगा तो हमको कुछ अलग तरीके से टूल्स मिलेंगे जो कि हमारे नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं रहते। तो अगर हम एडल्ट ड्रैगन के ऊपर यूज़ करेंगे डायमंड शेयर का, तो जैसे कि सारे टाइप्स के ड्रैगन्स के अंदर से अलग अलग पावर्स मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे फायर वाले ड्रैगन का यूज़ करा, मुझे अलग तरीके से आइटम्स मिली जिसका नाम है ड्रैगन स्केल्स फायर।
सो अलग अलग ट्राइब्स के ड्रैगन स्टोन के अंदर से आपको अलग अलग चीजों भी मिल सकती है, जिससे आप बना सकते हो एक यूनिक तरीके से आर्मर्स एंड उनके टूल्स भी बना सकते हो। तो ये वाले आर्मर स्टोन के अंदर उनके अलग अलग पावर्स भी रहेगी, जैसे कि मैं आपको एक आर्मर पहन लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि सारे आर्मर्स के अंदर कौन कौन सी अलग अलग से पावर है। तो मैं यहाँ पे पहन लेता हूँ चेस्ट वाला एक एथर नाम का हमारे पास आर्मर है, अगर मैंने उसको पहन लिया तो मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है अनलिमिटेड के लिए स्पीड। सो 16 टाइप्स के ड्रैगन के पास अपनी अलग अलग पावर्स रहेगी। वैसे तो हमारे ड्रैगन्स के पास बहुत ज़्यादा हार्ट्स है, बट इनके भी आर्मर है भाई, इनके भी अलग अलग चार टाइप्स के हमारे जो आर्मर से आप उनको पहना के इनको थोड़ी सेफ्टी आप दे सकते हो। आप रेसिपी देख सकते हो आगे कैसे रेसिपी है इनकी, एंड इसको पहनाने के लिए हमें इसके ऊपर बैठना है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एमरल्ड वाला आर्मर ये वाले ड्रैगन को पहना दिया है। सो ये वाले मोड को आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मेरी एक कमेंट पिन मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये वाली लिंक से आ जाना है, एंड उसके बाद आप ये वाली वेबसाइट के अंदर आ जाओगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला एडन कौन कौन से माइनक्राफ्ट वर्जन के अंदर सपोर्ट करता है, तो आप देख लेना आपका माइनक्राफ्ट का वर्जन कौन सा है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना, उसके बाद हमें न्यू टैब पे पहुँचा देगा, फिर यहाँ पे हमारी जो ग्रीन वाली लाइन है उस पर क्लिक करके एक और वाले न्यू इंटरफेस पे हमें पहुँचा देगा। फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड फ्री एक्सिस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एड वेड आएगा, उनको कैंसिल करना है या फिर बैक आ जाना है। तो फिर वापस एक बार फ्री एक्सिस पे क्लिक करना है एंड हमको पहुँचा देगा मीडिया फायर की लिंक पे। तो मैंने यह वाला एडन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, सो आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलो इसको एक बार वापस से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद हमारा जो एडन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद हमको एक जेड आर्चीवर नाम से आपको एपीके मिल जाएगा प्ले स्टोर पे इजीली, उसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमको चल जाना है डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर, आपको मैं चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ वाले डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको जो एडन है उसके ऊपर क्लिक करके रखना है, एंड उसके बाद हमें जाना है रीनेम पे एंड डॉट जिप को हटा देना है। फिर उसके बाद ओके करना है, वापस से बैक आना है, वापस से डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है, फिर वो वाले एडन पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आ जाएंगे हम हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर, तो यहाँ पे मैं प्ले कर लेता हूँ एंड एक मैं यहाँ पे नया वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ। आप अपने पुराने वर्ल्ड के अंदर भी इसको एडन को ऐड कर सकते हो। तो ये वाले वर्ल्ड्स को हम सर्वाइवल के अंदर ही रख रहे हैं, एंड उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, एंड इसके अंदर हमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स ऑन करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके ऑन कर देना, एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा चल जाना है रिसोर्स पैक के अंदर, जाना है माई पैक्स के अंदर, एंड जो सेकंड वाला है हमारा जो ड्रैगन माउंट से रिलीज इसको एक्टिवेट कर देना है, एंड बिहेवियर पैक के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारे वर्ल्ड को हम क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नए है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली माइनक्राफ्ट की मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।